जोर से, हेलो गाइस, जोर जोर से, हेलो गाइस, भानु हर महादेव, बोलो कैलाशपति महाराज की जय। तो ये गाइस सुबह के 4 बज गए और हमने गणेश पार्क से ट्रैक स्टार्ट किया है फॉर किन्नर कैलाश, और इट विल टेक 6 hours टू रीच देयर। सामने देख सकते हैं लाइटें जल रही हैं, लोग जा रहे हैं, तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे। तो ये गाइस आप देख सकते हैं कि जैसे सामने आपको लाइट दिख रही है, यहाँ हमको जाना है और ऊपर। ये देखिए ये सारे ग्रुप हैं जो चल रहे हैं। सुबह का बज चुके हैं 5 और लाइन बना कर लोग चलते जा रहे हैं, कोई आगे हैं कोई पीछे हैं, हम बीच में थोड़े। तो चलिए चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं आगे क्या रहता है। ये है ट्रैक किन्नौर कैलाश का। तो गाइस टाइम हो चुका है 5:30 सुबह का और डेट हो गई 13 अगस्त, संडे का दिन, और हम जा रहे हैं किन्नर कैलाश यात्रा के लिए। और जैसे कि पीछे आप देख सकते हैं, यहाँ कोई ऐसा पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, बस पहाड़ पे चढ़ना है आपको। शॉर्टकट लो, लॉन्ग कट लो, जहाँ से भी लो। और सरकार की तरफ से तो कोई फैसिलिटी नहीं है वैसे यहाँ, ना कहीं एरो बने पड़े ना कुछ फैसिलिटी है। अभी हम ऐसे ही एक बेस कैंप पे रुके थे गणेश पार्क में, तो वहाँ भी ऐसे ही था, बस काम था। और हम निकलेंगे ऊपर के लिए, और यहाँ से अभी भी 6-8 किलोमीटर है किन्नर कैलाश। तो ठंड भी काफ़ी है, टेम्परेचर अभी 1 या 2 डिग्री सेल्सियस है, और आप देख लीजिए व्यू। ये देख लीजिए गाइस व्यू यहाँ का, और अभी तो हम काफ़ी ऊपर जाना है हमको, और ये सारे बादल हैं ये, और पीछे वो पहाड़। और अभी जो हम 12-13 किलोमीटर ऊपर चढ़ के आए हैं, वो सारे पहाड़ नीचे ही हैं और ऑलमोस्ट इन बादलों के नीचे ही हैं सारे। और हमको जाना है उस पहाड़ पे। वी आर ऑन द वे फॉर किन्नौर कैलाश, और अब हमारा बचा है 6-7 किलोमीटर ही बचा हुआ है। और आप देख रहे हैं जैसे पीछे वो पहाड़ जो दूर से दिख रहा है बिल्कुल, उनमें से ही किसी एक पे जाना है हमको, अभी यहाँ से दिख नहीं रहा है। और आप देख लीजिए ये व्यू देख लीजिए, ये देखिए ये सारे क्लाउड हैं, बादलों के भी ऊपर आ चुके हैं हम, इतनी ऊँचाई पर हैं। और एग्जैक्ट ऊँचाई तो मुझे पता नहीं, लेकिन 10,000+ है ये, तो काफ़ी ऊँचाई है, ऑक्सीजन भी कम है यहाँ पर। तो अब चलते हैं आगे, ये ट्रैक है सारा, और अब जाएंगे आगे। वीडियो आप देखते रहना, पूरी वीडियो पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी किन्नौर कैलाश ट्रैक के लिए। आज 13 अगस्त है, संडे का दिन है, सरकार की तरफ से अभी ये चालू नहीं हुई है, ये चालू होनी है 15 अगस्त से। हम जा रहे हैं फिर भी, और मिलते हैं आपसे आगे। वीडियो में जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी और अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो में लाता रहूँगा आपके लिए। टिल देन मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय। ये गाइस सनराइज होने वाला है बस, और थोड़ी ही देर में सनराइज हो जाएगा, और हमको जाना है वहाँ पर उस पहाड़ के भी पीछे। और अभी जो करंट हाइट है 12,000 या 13,000 फीट हाइट है आराम से, तो ट्रैक तो काफ़ी मुश्किल है जैसे पहले भी आपको बताया था, और अभी भी खड़ी चढ़ाई चल रही है बिल्कुल, और चढ़ते ही जा रहे हैं ऊपर।
बस आपको मोटिवेशन के लिए करना है कि आपको धीरे धीरे चलना है, छोटे छोटे पैर रखने हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना है, और यही मेन चीज़ है यहाँ पर। अगर चलते रहिए, आपको लगेगा आपकी सांस छूट रही है तो थोड़ी देर रेस्ट कीजिए, सांस को दोबारा ठीक करिए और चलिए काम पर। तो हम चलते हैं आगे, आपको दिखाते हैं आगे कैसा व्यू रहेगा। ये है ट्रैक जिसपे हम आ रहे हैं, और काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पर, काफ़ी दम लग रहा है, सांस टूट रही है। लेकिन ये देखिए, ये मेरा पैर है, पैर के नीचे खाई है, सही सारी खाई है। हल्का सा भी ध्यान गया तो आप नीचे, हर जगह ही ऐसा है। देखिए 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 कैसी संकरी जमीन है, पैर फिसलते ही बंदा नीचे खाई में सीधा। तो गाइस वो देखिए, आपको जो छोटे छोटे दिख रहे हैं कैंप्स, ये है गणेश पार्क। यहाँ से हमने ट्रैक स्टार्ट किया था सुबह 4:30 बजे, और अब बज चुके हैं 6, और हम यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचे, और अभी तो बहुत दूर जाना है। और भी कौन सी था, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप जैसे कि देख सकते हैं कि हम कम से कम 12,000 फीट हाइट पे खड़े हुए हैं, और अभी भी जो किन्नौर कैलाश का शिवलिंग है जहाँ पर हमको पहुँचना है, वो पहाड़ के उस तरफ है, और मेरे को लग रहा है उस पहाड़ के भी पीछे ही है वो, क्योंकि यहाँ से अभी हमको एग्जैक्ट दिख नहीं रहा है। बट यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक्चुअली ऑक्सीजन तो बहुत कम है, और बस सांस फूलती जा रही है, लेकिन फिर भी हिम्मत करके बस चलते रहिए हर हर महादेव कह के। और यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, चारों तरफ का व्यू जो है काफ़ी ही ब्यूटीफुल है, और जन्नत है एक तरह से। पहाड़ पहाड़, और सारे बादल भी हमारे नीचे आए हुए हैं, सारा क्लाउडी हो रखा है यहाँ पर, और हम बादलों से भी अब ऊपर ही खड़े हैं, और वहाँ जाके तो पता नहीं क्या ही होने वाला है। वहाँ का व्यू आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए, और चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत अच्छा कॉन्टेंट ऑन द वे आगे। तो मिलते हैं आपसे आगे, बाय बाय। तो गाइस ये देख सकते हैं, ये हमारा ट्रैक है, और यहाँ ट्रैक के जस्ट साथ में पूरी खाई है। तो अगर हमारा पैर इस संकरी रोड से थोड़ा सा भी फिसला तो बंदा नीचे जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं मौज मस्ती के लिए, तो प्लीज़ मत आइए, क्योंकि आपको पूरी डेडिकेशन, पूरा फोकस और मोटिवेशन रहना पड़ेगा आपको, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे ट्रैक, क्योंकि ट्रैक काफ़ी डिफ़िकल्ट है। एक तरफ तो पूरी खाई मिलेगी आपको जब भी आप ट्रैक कर रहे होंगे। तो पूरा फोकस करना है, और हमारे साथ के भी कह रहे हैं कि भाई कैमरा छोड़ो, ब्लॉग बनाना छोड़ो और इसे फोकस करो, लेकिन आप लोगों का प्यार है कि मैं ब्लॉग बना रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ ये चीज़ें। तो काफ़ी मेहनत लगती है ब्लॉग बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरा देख लेना, ब्लॉग पूरा कम्प्लीट रहेगा, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी रहेगी। आप अगर 15 अगस्त 2023 के बाद आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, ये रात्रा खुली है 30 अगस्त तक। तो हम तो अभी 13 अगस्त को यहाँ घूम रहे हैं, तो आप लगा लीजिए कि ऑफिशियली तो 15 से 30 है, लेकिन आप कभी भी आ सकते हैं वैसे। तो मिलते हैं आपसे आगे। ये देखिए गाइस, ये ऐसा ट्रैक है कि आपको बैठ के स्टिक हाथ में होनी चाहिए, और बहुत ही फोकस करके चलना है, क्योंकि हल्का सा पैर फिसला और ज़मीन भी काफ़ी गीली है, और रेता वाला ज़मीन है, तो पैर फिसल रहा है यहाँ पर। तो यहाँ से हम आए हैं ऊपर से, ये भी ऐसे ही था, बहुत रिस्की है ये। तो यहाँ पर आपको पूरा फोकस देकर और पूरा ध्यान से चलना है, पैर फिसला तो आप सीधा नीचे गिरेंगे, और चोट का आपको पता भी लगेगा कि कितनी लगेगी। तो चलिए चलते हैं आगे, फ़ोन रखेंगे हम जेब में, एक हाथ में हमारे स्टिक है, और स्टिक के बिना तो यहाँ बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। ये है गाइस पूरा ट्रैक भी, ये देखिए, और अभी पहले हमको नीचे जाना है, फिर दोबारा ऊपर जाना है, और मुझे लग रहा है किन्नौर कैलाश जो है वो ही है, पर पता नहीं, अब देखते हैं आगे। तो ये गाइस सनराइज हो चुका है, ये देखिए, और दूर वो पहाड़ की चोटी पर बर्फ चमक रही है चांदी की तरह, ये देखिए, और हमको जाना है इस तरफ। अब ऊपर देखते हैं कि कैसे रहता है, बर्फ़ मिलती है क्या नहीं, क्योंकि धूप तो बहुत अच्छी निकल रही है अभी।
धूप निकली रही तो अच्छा है, बारिश ना हो, बारिश होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमारे को, बारिश होगी तो देखते हैं आगे। तो गाइस पीछे मेरे देख सकते हैं सनराइज़ हो चुका है किन्नर कैलाश यात्रा में जाते समय, जो बचा है खाली 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर, और देखिए क्या प्यारा व्यू आया है। ओए होए 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 होए, ये है असली सुकून, देख रहे हो पीछे बर्फ चमक रही है चोटी पर जैसे चांदी हो गई, क्या व्यू है, बहुत तगड़ा व्यू है, देखिए वर्थ है इसकी आने की, यहाँ इतना संघर्ष करने की, संघर्ष अभी जारी है और जाते हैं आगे, मिलते हैं आपसे आगे, दिखाते हैं आपको क्या क्या है। बाय बाय। ये देख लीजिए गाइस सुबह का व्यू, ओए होए होए होए, तो गाइस अभी एक टास्क आ चुका है हमारे सामने, ये जो नदी है ये क्रॉस करके हमको उधर जाना है, तो देखते हैं कैसे जाएंगे। तो गाइस ये नदी हमको भी क्रॉस करनी है, क्रॉस करके हमको उस तरफ जाना है। तो ये गाइस जो ग्लेशियर है जो सूखा हुआ है और ये हमको अब क्रॉस करना है, और नीचे तो थोड़ी सी नदी बह रही है लेकिन ये जो जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये सारी बर्फ़ है, ये वो जो पानी है जो बह रहा था और जो जम चुका है अब, और इसके ऊपर से हमको निकलना है। ये रास्ता काफ़ी मुश्किल भरा है और काफ़ी कठिनाई से निकल पाता है बंदा इसमें से, क्योंकि अगर पैर फिसलेगा तो आप सीधा नीचे ही जाएंगे, तो ये बहुत नीचे, मुश्किल है। नीचे, और नीचे, आप जैसे कि देख सकते हैं जैसे हम चल रहे हैं नीचे, और इसको क्रॉस करने के बाद हम जाएंगे किन्नौर कैलाश के लिए। अभी सबसे बड़ा टास्क यही है ग्लेशियर, और अभी तो जाते टाइम तो थोड़ा इजी है लेकिन आते टाइम पता नहीं क्या होने वाला है ये, क्योंकि रात भी हो चुकी होगी और पानी का बहाव भी बहुत तेज हो जाएगा उस टाइम, तो देखते हैं रात को क्या रहता है इसका सीन। ये गाइस देखिए ये पानी बह रहा है और ये सारा यहाँ पर बर्फ जमा हुआ है ग्लेशियर जैसा, और बहुत ऊपर से पानी भर के आ रहा है यहाँ से, देखिए ये बहता हुआ आ रहा है, और ये और हमको जाना है इस तरफ, हम थे अभी यहाँ पर और हमने रिवर क्रॉस करी है ये, और अब निकलेंगे इस तरफ जहाँ पर आपको दिख रहे हैं लोग खड़े भी हुए। तो गाइज आपको एक और व्यू दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा व्यू, ये देखिए ये ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है और यहाँ पर पूरा ये बर्फ जमी हुई है और ये पानी बहता हुआ जा रहा है यहाँ नीचे, और अब हमको निकलना है ये बर्फ के ऊपर से चढ़ के उस तरफ जा रहा है, तो काफी संघर्ष जारी है, कर रहे हैं संघर्ष, संघर्ष जारी है हमारा, तो मिलते हैं आपसे आगे, दिखाते हैं आपको। बाय बाय। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं कि पूरा ट्रैक ही पत्थरों से भरा हुआ है और ठंड भी काफ़ी है, तो आपको गर्म कपड़े तो पहनने ही पड़ेंगे और आपको दस्ताने भी ज़रूरत पड़ सकती है, और स्टिक तो बहुत ही ज़रूरी है यहाँ पर, बिना स्टिक के आप आगे जा ही नहीं सकते हैं इसमें। तो गाइस अभी छोटा सा वाटरफॉल था वो हमने क्रॉस किया है और अब दोबारा चढ़ाई पर जा रहे हैं, ये है देखिए यहाँ जाना है हमको पीछे, अब काफ़ी लोग दिख रहे हैं जो आ रहे हैं और यहाँ पर भी लोग बैठे हैं, अब चलते हैं आगे, और समा गूंज रहा है हर हर महादेव के नाम से, यही चीज़ें आपको जो मोटिवेट करती हैं और ऊपर तक खींच के ले जाती हैं, तो देखते हैं चलिए क्या रहता है ऊपर। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कीजिएगा अच्छी लग रही हो तो, आगे मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइज हमारा जो टारगेट आज का रहने वाला है वो यही है कि हम किन्नौर कैलाश पहुँचे टाइम से और वहाँ से वापस आ जाएँ बेस कैंप में 5 या 6 या 7 बजे तक मैक्सिमम, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा, तो अब देखते हैं कि कितना है और आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ पर गणेश पार्क में गुफा जहाँ पर लोग स्टे करते हैं और जो कैंप में कैंप के लिए भी काम आती है लोगों के, तो यहाँ पर लोग कैंप भी लगाते हैं और आके रुकते भी हैं, और इससे फिर आगे की अपनी यात्रा शुरू करते हैं किन्नौर कैलाश के लिए। तो यह है गाइस गणेश गुफा, जब अगर आप जा रहे हैं किन्नौर कैलाश के लिए तो ये आपको रास्ते में पड़ेगी, और कई लोग यहाँ पर ही अपना कैंप लगा लेते हैं और यहीं पर स्टे कर लेते हैं रात के लिए, जैसे कि हमने वहाँ कैंप में स्टे किया था जिसके हमने दिए उसको 500 रुपये पर पर्सन,
और इससे अच्छा कई लोग यहीं पर ही आ जाते हैं, यहीं पर स्टे कर लेते हैं और यहीं पर अपना कैंप लगाया, खाना वाना बनाया और निकल रहे हैं यहाँ से दोबारा। तो ये भी सही है, तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो अपना कैंप भी ला सकते हैं और यहाँ लगा कर अपना खाना वाना खुद बनाइए और खाइए और मज़े कीजिए और दर्शन कीजिए ऊपर जाकर। तो ये काफ़ी सही है। और अभी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी की जैकेट भी पड़ी है और अंदर सामान भी रखा ही हुआ है। तो कोई बंदा यहाँ रुक के गया है, अब दर्शन करके आएगा तो दोबारा यहाँ पर अपना स्टे करके कल निकलेगा। तो यहाँ पर रात को स्टे कर सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है बंदा। ठीक है, मिलते हैं उससे ऊपर, अब सीधा किन्नौर में। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी ऑफिशियली यात्रा स्टार्ट नहीं हुई है, जो यात्रा स्टार्ट होनी है वो है 16 अगस्त से, लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि लोग काफ़ी आ रहे हैं यहाँ पर अनऑफिशियली भी। तो ऑफिशियल में तो जैसे कि आप जानते होंगे कि 300 से 350 बंदा आता ही है, और अनऑफिशियली भी हमारे को यहाँ पर 80 से 100 बंदा तो दिख ही रहा है जो यात्रा करने आए हैं और दर्शन करने आए हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है आगे। तो गाइस, ट्रैकिंग हमारी चालू है और ये पीछे आप देख सकते हैं, देखिए श्रद्धालु बन जा रहे हैं काफ़ी सारे। और पहले हम यहाँ जाएंगे पार्वती कुंड और इसके बाद जाएंगे किन्नौर कैलाश। तो गाइस, ये जो ट्रैक का रास्ता है ये तो काफ़ी थकान भरा है, लेकिन जो आपके साथ चल रहे होते हैं जय जय महादेव हर हर महादेव के नारे जो लगते रहते हैं, उससे समा एकदम गूंज उठता है और आपको प्रोत्साहन मिलता है और मोटिवेट होते हैं आप आगे जाने के लिए। ये है, ये अच्छा, ये बाबा ना गड़ा दिया, हां सुबह 4 बजे खिलेगा ना ये। हां, जैसे सूरज की किरणें पड़ेंगी वैसे ही बंद है यहां। तो ब्रह्म मुहूर्त में खिलेगा, हां सुबह 4 बजे का टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त का। हां, तो यहां ऊपर ही होते होंगे, नीचे तो नहीं होंगे। कोई शक्ति हो, शक्ति इसके पास हो तो खुल जाता है। अच्छा, शिवलिंग का, बट वो कैलाश की अलग ही जो वाइब है कि भी बंदा ऊपर तक पहुंचेगा तो पहुंचेगा, जो बाबा ने बुला लिया है तो बुला लिया है एक बार। तो आप कहाँ कहाँ गए हो? वहाँ गए हो श्रीखंड? श्रीखंड जी गए हैं 2018 में। चढ़ाई कम है शायद, इससे थोड़ा सा टफ है इसमें ना, जो चढ़ाई है वो नहीं है, खड़ी चढ़ाई है किन्नौर कैलाश जी में, और उसका थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा है और चढ़ाई खड़ी कम है, और ऐसे वो अप डाउन वहाँ भी ऐसे ग्रुप में गए थे, अच्छा जाते रहते हैं। 2022 में इधर आए, 10 बंदों का ग्रुप मारा, पिछले बार 9 बंदों का आया। अच्छा, हमारा प्रॉब्लम पिछली बार तक बंदे थे, इस बार फिर यात्रा बंद हो गई, बाबा की हमारी छुट्टी ऐसी बैंक की थी। मैंने कहा चलो चलते हैं, देखी जाएगी क्या होगा। 15 हमारा 17 रजिस्ट्रेशन है यहाँ का, तो वो कब खुल रही है श्रीखंड? वो भी श्रीखंड जी बंद है, अब बंद है वहाँ पे, एक्चुअली डेथ हो गई कुछ। अच्छा, ऑक्सीजन के कारण भी हो जाती है वहाँ पे, और गिर जाता है, और गिर भी जाते हैं जैसे ग्लेशियर। हाँ, जब वो 3 जुलाई के आसपास गिरा था ना, ग्लेशियर बहुत डेडली है वहाँ पे ना, जैसे यहाँ पे ग्लेशियर बहुत पतला है, बहुत मोटा ग्लेशियर है। हमारा भी पहले जाने का वहीं था, बट वही बंद हो गई, लंबा ग्लेशियर है वो ही रहता है, बस बाबा ने जहाँ बुला लिया वहाँ बुला लिया यार, वहाँ तो पहुँचना ही है। फिर बोलते हैं श्रीखंड जी को, बोलते हैं खंड खंड महादेव, महादेव। जब तक आपके शरीर का खंड खंड चूर ना हो जाएगा ना, तब तक आप दर्शन नहीं होंगे आप। और दर्शन करते ही वो खंड खंड बिल्कुल समाप्त, सब कुछ मतलब आंखों से ऐसे आंसू बहते हैं बाबा के सामने की, मतलब कि वो, मतलब वो एक्सप्लेन ही नहीं हो सकती वो चीज, जो बंदा उस टाइम वहाँ पे एनर्जी होती है ना, कर रहा होता है ना। तो आप कितने बार हुए हो श्रीखंड? श्रीखंड जी एक बार ही हुआ है हमारा बाबा, 2018 में, उसके बाद 18 में
किन्नौर जी अब दूसरी बार आया हूं। ऐसे अब तो वो भी काफी कमर्शियल हो गया होगा 2018 के बाद से। तो बहुत लोग बहुत यार कुतबा पे रहने का सिस्टम बहुत अच्छा है वहां पे। टेंट टूट लगे हैं, टेंट वगैरह बहुत ज्यादा फैसिलिटी है। तो अब नेक्स्ट ट्रिप कब का आपका? नेक्स्ट ट्रिप अब खुलेगी, सोचा है अभी मणिमहेश जी परिक्रमा का। मणिमहेश परिक्रमा करनी है। अच्छा, तो आप क्या जॉब वर्क करते पड़ रहे हैं? जॉब करते हैं कहां पे? मैं लेंसकार्ट में। अरे बढ़िया, तो यहां क्या लेंस उसमें ही सुंदरनगर में? सुंदरनगर में बिल्कुल। वैसे ऐसा ही है कि अपने कामकाज वाले ही हैं सभी बंदे। अभी छुट्टियां मिली। जय पार्वती मैया की, जय शंभुनाथ की, जय हर हर महादेव, हर हर महादेव। दम भी लेते हैं। पति महाराज की जय। हरिओम महादेव। भाई बैठ जाओ।